तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको एंड्रॉइड्स की टिप बताने वाला हूं, जो 2020 की न्यू टिप्स एंड ट्रिक बताने वाला हूं, जो बहुत काम के आएंगे, आपको जरूर पसंद आएगी। तो उसमें से शायद आपको कुछ तो पता ही नहीं होगी, डेफिनेटली कुछ तो आपको नहीं पता होगी। तो दोस्तों चलते हैं आगे, आप वीडियो को पूरा देखें तो ही आप देख पाएंगे, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो एक आध आप फ्यूचर मिस कर देंगे। तो दोस्तों चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक्स में। तो दोस्तों जो पहला फीचर है वो है गूगल क्रोम को लेके। गूगल क्रोम में आपको क्या करना है, जैसे गूगल क्रोम में आपको कुछ देखना रहता है या कुछ चेंज करना रहता है, सेटिंग में जाना हो तो आपको यहाँ पर क्लिक करना रहता था तो जाके ये ऑप्शन खुलते। तो मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप डायरेक्ट ये ऑप्शन खुल जाएंगे, जिस ऑप्शन पर आपको रोकना है डायरेक्ट वहाँ रोकेंगे तो डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये वर्क कैसे करेगा, उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यह अपना आपको फिंगर रखना है एंड देन उसको नीचे की तरफ ड्रॉप करेंगे तो आप ये ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। आपको बार बार क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी ऑप्शन पे, जैसे लाइक यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ता था तो आपको क्लिक करने की टेंशन खत्म हो जाएगी, आपको जस्ट नॉर्मल यूँ करना है एंड देन ईजिली वहाँ पर पहुँच जाएगा। तो ये ऐसा वर्क करता है, जो कि बहुत ही अच्छी ट्रिक है, बहुत काम की ट्रिक है। जो दूसरी ट्रिक बताने वाला हूँ वो भी गूगल क्रोम की है। गूगल क्रोम में अगर आपने बहुत सारे टैब खोल के रखे हैं, आपको टैब स्विच करने के लिए आपको क्या करना रहता था, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, उसके बाद आप टैब स्विच कर पाते थे। तो मैं आपको ऐसे ही एक सिंपल ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप इजीली यहाँ पर स्वैप कर पाएंगे या चेंज कर पाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ ऊपर आपको अपना हैंड रखना है एंड देन ऊपर की तरफ आप स्वैप करेंगे लेफ्ट या राइट, तो आपकी देख रहे हैं ये चेंज होती जा रही है टैब इजीली, आपको यहाँ पर बार बार क्लिक करने की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत ही इजी क्विक फीचर है, आप देख सकते हैं दोस्तों। आपको यहाँ पर क्लिक कर यहाँ रखना है एंड फिंगर को ड्रॉप करना है लेफ्ट या राइट जहाँ पर आप करना चाहते हैं, तो बहुत इजीली ये मूव हो जाएगी। तो दोस्तों जो तीसरी टिप मैं बताने वाला हूँ है कॉलिंग को लेके। आपको क्या, अगर किसी का नंबर आपको सेफ है, उसको कॉन्टैक्ट को कॉल करना है, तो आपको क्या करना रहता था पहले, अगर आपको किसी को कॉल करना है तो पहले आप यहाँ कॉन्टैक्ट में जाते थे एंड देन उस नंबर को आप सर्च करते थे, उस नाम को सर्च करते थे, देन उसके बाद ही आप वहाँ पर कॉल कर पाते। तो मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप इजीली विदाउट कॉन्टैक्ट में जाके आप उसको क्विकली कॉल कर पाएंगे विदाउट एनी नंबर पर, विदाउट कॉन्टैक्ट पर जाने के बाद। तो करना क्या रहेगा, उसके लिए आपको करना क्या है, कॉन्टैक्ट पर आपको जाना है, कीपैड खोलना है, कीपैड के डायल पैड खोलने के बाद आपको उस बंदे का जो नाम है उसमें जो आप देख रहे हैं अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं ABCDEF, जो उसके हिसाब से आपको यहाँ प्रेस करना है। लाइक मेरा नाम सनी है तो मैं अपना प्रेस करता हूँ SUNNY, तो आप ये देखेंगे सनी नाम से ऊपर आ चुका है, ये ऊपर मेरा नाम आ गया है, तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। बहुत ही अच्छा मेथड है, नाम के थ्रू आप ये देख रहे हैं ग्रीन कलर से हाईलाइट भी कर रहा है, तो ये नाम की तरफ से आप उसको इजीली कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, लाइक ये जाना है, लाइक अब मुझे अपने मम्मी को कॉल करना है तो मैं यहाँ दबाऊँगा MUNNY, तो ये इजीली आ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा सिंपल सा मेथड है कॉल लगाने के लिए और आप डायरेक्ट वहाँ से कॉल लगा पाएंगे। तो ये फीचर पहले से ही था, अब ये नया, अगर आपको नहीं पता है तो डेफिनेटली उसको यूज़ करिए। और दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इसमें से कौन कौन से फीचर नहीं पता थे। तो दोस्तों आगे चलते हैं, जो मैं फोर्थ फीचर बताने वाला हूँ, ये स्पेशली सैमसंग के मोबाइल के लिए है, तो आप इसको ज़रा माइंड मत करिएगा, दूसरे एंड्रॉयड यूज़र हैं, एक ही है जो सैमसंग के लिए, बाकी सब पे चलेंगे। तो लाइक आपको यहाँ कॉन्टैक्ट में जाना है या कि अपने रिसेंट हिस्ट्री पे जाना है। अगर आपको यहाँ पर किसी को कॉल करना है तो आपको यहाँ पर सिर्फ राइट स्वैप करेंगे तो ये डायरेक्ट कॉल हो जाएगी, आप देख सकते हैं डायरेक्ट कॉल पर चली जाएगी। और अगर आप इसको वापस राइट स्वैप करेंगे, सॉरी लेफ्ट स्वैप करेंगे, तो ये मैसेज पर चले जाएगा, डायरेक्ट इनबॉक्स खुल जाएगा। तो ये क्विक सेटिंग होती है सैमसंग के मोबाइल के लिए। तो दोस्तों जो मैं पांचवा मेथड बताने वाला हूँ, जो पांचवा फीचर्स बताने वाला हूँ, टिप बताने वाला हूँ, वो है व्हाट्सएप के लिए। तो उसके लिए व्हाट्सएप पर चलते हैं। दोस्तों होता क्या है, व्हाट्सएप पर अगर आपने बहुत सारे स्टेटस डाल के रखें, अगर कोई भी आपसे बंदा स्टेटस आपसे मांगता है तो आपको क्या करना रहता था, गैलरी में जाकर ढूंढना पड़ता था। तो अब आप क्या कर सकते हैं, लाइक अपने पूरे स्टेटस पर जाने के बाद आप जितने भी स्टेटस डालें आपने डायरेक्ट उसको सेलेक्ट कर लीजिए, देन यहाँ से आप इकट्ठे एक ही बार में उसको फॉरवर्ड कर पाएंगे एंड देन ईजिली वो पूरी की तरह से फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है, अगर आप स्टेटस डालते हैं और आपसे आपके फ्रेंड बार बार मांगते हैं तो आपके लिए बहुत काम का ट्रिक है। जो मैं सातवा फीचर बताने वाला हूँ दोस्तों वो है, छठवा फीचर बताने वाला हूँ वो बहुत अच्छा है। आपको अगर किसी का आपका मोबाइल कोई भी बार बार मांगता है तो ये आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। आप उसको सिर्फ उस ऐप पे लॉक करके दे सकते हैं, सिर्फ वही ऐप चलेगी जो आप खोल के देंगे, जब तक आप उसको अनपिन नहीं करेंगे जब तक दूसरी ऐप नहीं खुलेगी। लाइक कैसे, तो आपको खोल लेना है पहले तो रीसेंट का ऑप्शन, आपको जिस ऐप पर उसको छोड़ना है तो आपको करना क्या है, जैसे लाइक मुझे
मुझे मान लीजिए फेसबुक पे ही जोड़ना है, फेसबुक पे ही लॉक करके देना है, सिर्फ वो फेसबुक चला पाए और कुछ ना चला पाए, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ देखिए सर रिसेंट पे खोल लिया उस ऐप को, एंड देन यहाँ ऐप फेसबुक पे क्लिक करना है, एंड देन उसको कर देना है पिन टू पिन दिस ऐप। अब इस दिस ऐप को करने के बाद होगा क्या, कि आपको एक नीचे नोटिफिकेशन भी आ गया है, टर्न ऑन पिन विंडो टू अनपिन दिस ऐप, स्वैप अप एंड होल्ड। ओके, तो अब ये आपकी बस सिर्फ फेसबुक ही चलेगी और कुछ नहीं चलेगा। अगर मैं बैक भी करना चाहूँगा तो वो बैक भी नहीं होगा, ना रिसेंट पे जाएगा, कुछ भी नहीं होगा जब तक आप उसको अनपिन नहीं करेंगे। तो अनपिन होगा कैसे, अनपिन करने के लिए आपको करना क्या होगा, अनपिन करने के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये कि आप जिसको दोस्त को देंगे तो वो कुछ कर नहीं पाएगा, जब तक आप उसको अनपिन नहीं करके दोगे तो दूसरी ऐप नहीं खोल पाएगा, चाहे कुछ भी कर लो वो वहीं का वहीं चलेगा। तो उसको अनपिन करने के लिए आपको करना क्या होगा, उसको आपको यहाँ से थोड़ी देर स्वैप करके रखना पड़ेगा होल्ड करके, एंड देन ये अनपिन हो चुका है। तो आप यहाँ नीचे देखिए मैसेज भी आ चुका था, अनपिन हो गया, तो अब ये बाहर आ जाएगा इजीली। तो ये भी बहुत कमाल का फीचर है, अगर आपका मोबाइल कोई बार बार मांगता है तो आपके लिए बहुत ही कमाल का फीचर है। जो नेक्स्ट फीचर मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप बताने वाला हूँ वो भी है व्हाट्सएप की तरफ से। व्हाट्सएप में होता क्या है, लाइक आपने कोई स्टेटस देख रहे हैं तो स्टेटस कुछ सेकंड बाद आप ऊपर देखते हैं, कुछ सेकंड बाद हट जाता है, तो ये इजीली हट जाता है, आप देख नहीं पाएंगे। तो आप इसको कैसे होल्ड कर पाए, जैसे आपको होल्ड करना रहता था तो आपको ऐसे ही होल्ड करके देखना रहता था, अब कुछ लोग ऐसे इरिटेट हो जाते हैं बार बार होल्ड करने के लिए, तो मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, ये यहीं कहीं होल्ड हो जाएगा, जब तक आप इसको अनफ्रीज नहीं करेंगे तो वहाँ से हिलेगा नहीं। तो उसके लिए करना क्या होगा, आपको करना क्या है उसको आपके उसके लिए आपको यहाँ पर देखिएगा, ये थ्री फिंगर्स हैं, आपको यहाँ थ्री फिंगर्स को होल्ड करना है एंड हल्का स्वैप करना है। देखिए अब ये फ्रीज हो चुका है, कोई टाइम नहीं चल रही, कोई लिमिट नहीं चल रही, और ये जब तक आप चाहें जब तक आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं, ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगा जब तक आप नहीं चाहें। और आप चाहें तो ये वीडियो में भी कर सकते हैं, आप देखिए अब ये वीडियो चल रही है, तो आप वीडियो को फिर यूँ कर देंगे तब ये वीडियो में भी होल्ड हो जाएगा, जब तक आप इसको वो हटाएंगे नहीं, जब तक ये हटेगा नहीं, जब तक ये वहाँ पर चलता ही रहेगा। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर्स या टिप बोल सकते हैं, आपके काम जरूर आएगा। तो दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको ये मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्द से जल्द वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों थैंक यू दोस्तों, और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना भी ना भूलें। थैंक यू।